हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। मेरा नाम हुआ सर। मैं हूँ बशर। सो गाइस, अक्षय कुमार के फिर से मिमिक्री लेकर आ गए हैं कपिल शर्मा शो में। मजा अक्षय आएगा, कुमार, सनी देओल, सनी देओल सारे होंगे तो मजा आएगा गाइस। बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आयुष्मान आयुष्मान आए घर में। आपको बता दूं, ये हमारे मोहल्ले के फनी देओल है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? काफी वक्त से एक्शन हीरो से मिलने की ख्वाहिश थी, आ गया हूँ मैं। सब लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मिल लो एक्शन हीरो से। ये तो है, इनसे बड़ा एक्शन हीरो कोई है नहीं है, नहीं तो दो टांगों पे इतना सामान लेके घूमना मुश्किल काम है। मेरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेहमान आए हैं, मेहमानों की बातें कीजिए, इनसे बात कीजिए। ओ जयदीप जी, मैंने फिल्में देखी, बड़ा कमाल का काम करते हैं आप। हर किरदार अलग करते हैं आप, सारा काम अलग 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 अलग। तो एक काम कीजिए, ये मेरे ईयरफोन की तार उलझ गई है, जरा अलग कर देंगे। थैंक यू, थोड़ा नोरा जी से बात कर लेता हूँ। I really like you. नहीं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको। जब भी मैं आपकी झील जैसी आंखों में देखता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। ये बात आप और भी दो हीरोइन को बोल चुके हैं आप। तो मेरी बातें कौन सी OTP है जो रिपीट नहीं हो सकती, कातिया? ऐसा आयुष्मान जी, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, कमाल का ट्रेलर था, वाओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वहां पर आप लंदन गए फिल्म में, वहां जाकर आपने एक भी बार ओए नहीं कहा, आपने अशरफ अली को डांटा नहीं, एक भी हैंडपंप आपने उखाड़ा नहीं, ऐसा क्यों? इतना दूर तक गए थे, कम से कम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो उखाड़ देते। लंदन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी USA में? हाँ, तो जब वहाँ लंदन आता तब उखाड़ देते। स्टैच्यू कैसे आएगा? ये कैसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसे इतनी भी लिबर्टी नहीं कि यहाँ से वहाँ जा सके? It just makes no sense. समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं हूँ असली एक्शन हीरो। ओए होए, ये तो वही है जो सनसनी में न्यूज़ पढ़ते हैं। चैन से सोना है तो जाग जाइए। ओश हाय आयुष्मान, हाय हाय जयदीप, हाय गर्मी। ये जोक मैं क्रैक कर चुका हूँ पहले। अरे अच्छा, वो तूने बता दिया, अब मैं तेरी बार एडिट में कटवा दूंगा। ओहो, और तू खुद को एक्शन हीरो समझता है? निसंदेह। अब तेरी जात का फायदा मारू और नोरा फतेह को लाइन मारू। आयुष, अरे आयुष्मान खुराना सर। अरे इनको बताइए, मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ। अरे अमी कोबरा है कोबरा, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता है। अरे जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिस, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। समझा? कुछ नहीं समझा मैं। अरे मैं भी नहीं समझा। अरे आयुष्मान खुराना सर, आप इनको बता दीजिए कि मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ। अरे मैंने तो साइकिल के पीछे खड़े होके मशीन गन्स की गोली को रोका। मैंने देखा था ये तो किया है आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। वेरी गुड। मैंने मुंह से ट्रक को रोक दिया था। अरे कैसे रे? मैं ट्रक वाले के बगल में बैठा था, मैंने कहा ट्रक रोको, उसने रोक दी। इजी, इट्स सो इजी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे मेरा सुनेंगे तो कांप जाएंगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। आप मेरा डायलॉग बोल रहे हैं? अरे मैंने तेरा बोला, तू मेरा बोल के दिखा। कौन सा? जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिस, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिस, इसको नीचे करके बोलो।
उंगली नहीं करनी है, बिना उंगली किए बोलो। अरे मैंने कहा उंगली नहीं करनी है, अब बोल के दिखा। ये जूता कहाँ से लिया आप? अरे ये लोखंड यार, मस्कन मुकुंद बरंगे यार, मस्कन मुकुंद बरंगे। उंगली को बरंगे नहीं करता हूँ यार, ऐसा नहीं चलेगा रे। ये आले मुश्किल बरंगे ऐसे नहीं होता है दादा। हाँ देखा, ये आले मस्कन मुकुंद बरंगे इतना 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 तो चाहिए, हाथ चाहिए, उसके बिना फील नहीं आता है। देखा, बिना उंगली के नहीं बोल पाता है, मैं ही असली एक्शन हीरो हूं। ये कैसे साबित हुआ? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, सबसे बड़ा एक्शन हीरो मैं हूं। नाइस, आप हाय एवरीबॉडी, हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाय जयदीप जी, हाय आयुष्मान जी, हाय गर्मी। ये डायलॉग तो मैं बोल चुका हूँ। हाँ, वो मैं एडिट करवा दूंगा। जयदीप जी की? देख रहे हैं, एक तरफ रियल एक्शन हीरो, एक तरफ ये नकली लोग खड़े हुए हैं, मजा नहीं आ रहा है। कौन सा आदमी है ने छापा है? यस, बहुत सही बोला रहे अशरफ अली के दुश्मन। एक तो आप इतना हिला मत कीजिए, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आते हैं। बैठो बैठो, चक्कर नहीं आएगा। अरे ए, ये ले नींबू चाट। ए, दादा आले, दादा आले, दादा आले, तू कहे तो मैं बैठूं, तू कहे तो मैं नींबू चाटूं। लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। टेस्ट नहीं आ रहा कुछ। अरे इस नींबू को काट के चाट। तू कहे तो मैं काटू, तू कहे तो मैं नींबू चाटू। अरे वाह, क्या राइम बनाई है, क्या बात है। तू तो शायरी की दुनिया में अपना नाम खराब कर सकता है। माय ऑल द बेस्ट लक विथ यू। देख रहे हो आयुष्मान जी, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। साउंड लाइक हिम। थैंक यू मैडम। दिमाग खराब हो गया मेरा। सही बात है। मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा डायलॉग ये था। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप 2-3 साल तक पहले पहले उसको खूब झूला झुलाएं, खूब झूला झुलाएं। अगर नहीं झुलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे झूलेगा। जी हाँ, मस्किन मकुम्बर रंजिस बेहाल हिंदरा बेचारा दिल है। ये क्या है, ये क्यों बोलते रहते हैं आप, क्यों बोलते रहते हैं बार बार? अरे क्योंकि तू नहीं बोल पाता है रे। अच्छा ये बात है, ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊट की, ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊट के, ये बोलिए अब। अरे ये तो बड़ा आसान है, बोलिए बोलिए। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरी उंगली को रोका था ना आपने, सीधे खड़े रह के बोलिए। ठीक है, बनता है। अरे ऊट ऊंचा ऊट की पीठ। नहीं नहीं दादा, आज भी नहीं, आज भी नहीं, पैर भी नहीं, कुछ नहीं, सीधे खड़े रहिए और बोलिए। ठीक है, ऊंट भी ऊंचा ऊंट की पीठ। सीधे मतलब सीधे, हिलना नहीं है, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, और ये पैंट कहाँ से ली तूने? ये वाली पैंट। ऊंट ऊंचा ऊंट की देखिए, दादा से भी नहीं होता है। हाँ ये वेरी गुड, आप दोनों आपस में ये करिए, बहुत अच्छा चल रहा है। तब तक मैं गैट शूट कर लेता हूँ दोस्तों। जिंदगी में कभी भी लाइफ में आपको ऊपर जाना है। अरे आप तेरे नाम का मुर्गा पालू और शाम को पका के उसे खा लू। अरे अभी कोबरा है कोबरा। तो यहाँ बाहर क्यों घूम रहा है, बिल में जा अपने। तू कोबरा होगा लेकिन मैं सबसे बड़ा एक्शन हीरो हूँ। मैं इतना बड़ा एक्शन हीरो हूँ आयुष्मान जी कि मैं एक उंगली पे खड़ा हो सकता हूँ। एक उंगली पे? अरे ऐसे कैसे मान लू, खड़ा होके दिखाना। रख अपनी उंगली रख। Like that.
हल कर दिया भाई यार यार सारी आवाज ही ऐसी है यार कमाल मिलती यार बंदा सच में कंफ्यूज हो जाए की यार सच में अक्षय कुमार आ गया यार क्या मिलती है आवाज यार और साथ में जो गेस्ट आए थे उनका तो वहां से और नोना जो है ना वो हैरान हो रही थी अक्षय की आवाज इतनी मिलती जुलती बिल्कुल साउंड बिल्कुल ऐसी है यार किस किस को यार ये सीट बजे क्या लगा यार कमेंट जिस तरह की और भी चाहिए हो जेठालाल मेठालाल जो भी चाहिए हो प्लीज हमें बताइए हम जरूर लेकर आएंगे इधर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।